देन सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया। तो आपको भी पता है कि Redmi Note 8 में नई अपडेट आ चुकी है। अब इस अपडेट में क्या क्या नए फीचर्स आए हैं वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी शानदार से फीचर्स आए हैं। मैंने अपना जो Redmi Note 8 डिवाइस है वो यहाँ पे अपडेट कर लिया है। अब इसमें कौन कौन से फीचर्स आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला फीचर मैं आपको बताऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट। यहाँ पे अब दिसंबर का लेखा आने लग गया है, लेकिन पहले बहुत ही पुराना आता था, तो आप देख सकते हैं कि ये भी यहाँ पे अपडेट हुआ है। उसके बाद बात करें अगले ऑप्शंस की, तो हम बात नोटिफिकेशन पैनल पर। जैसे ही हम नोटिफिकेशन पैनल पर आते हो कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो एक नया अपडेट आया है, सेलेक्ट एप्स टू मैनेज स्मार्ट होम डिवाइसेस हेयर, तो ये वाला नया आया है। उसके बाद बात करें तो आप जैसे ही इसको ऊपर करते हो, जैसे कि आपने और नीचे किया, तो आप देख सकते हो ये जो ब्राइटनेस वाला जो ऑप्शन है ये हट नहीं रहा है, पहले ये हट जाता था। साथ साथ आप बात करें तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में यहाँ पे ब्लर हो रहा है। पहले Redmi Note 8 में ये ब्लर नहीं होता था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ब्लर होने लग गया है, मतलब कि ये यहाँ पे न्यू अपडेट हुआ है। उसके साथ साथ मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स चेंज हुए, जैसे कि आप इधर नोटिफिकेशन पैनल पर डायरेक्टली आ सकते हो, और नोटिफिकेशन पैनल से आप डायरेक्टली इन पे आ सकते हो, अपने ऑप्शंस पे आ सकते हो, तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपडेट हुआ है। उसके बाद अगले अपडेट की हम बात करें तो जैसे कि वो हुआ है आपके वॉल्यूम बटन पर। जैसे आप वॉल्यूम बटन प्रेस करते हो, उसके बाद आप देख सकते हो ये कुछ यहाँ पे आईफोन की लुक देने की कोशिश की गई है। उसके बाद बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको, जैसे कि मैं दोबारा से इसको लगा देता हूँ, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये टाइमर का ऑप्शन दे दिया है। अगर आप यहाँ पे अपने मोबाइल को साइलेंट करना चाहते हैं तो कितनी देर तक साइलेंट करना चाहते हैं, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, उसके बाद अपने आप ही साइलेंट से हट जाएगा, मतलब कि टाइमर यहाँ पे दिया हुआ है, आप कर सकते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पे मिल जाता है, ऐसे ही आपको यहाँ पे मिल जाता है डोंट डिस्टर्ब मोड। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, इस पर भी आप टाइमर लगा सकते हैं कि इतने देर तक आपका डोंट डिस्टर्ब मोड ऑन रहना चाहिए और इतने देर बाद ये बंद होना चाहिए। तो ये भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया गया है, और ये सारी चीज़ें तो पहले भी थी, तो काफ़ी अच्छा है। और साथ साथ एक चीज़ में और मैं आपको भूल गया कि यहाँ पे आपको एनिमेशन दिए गए हैं, जैसे कि हम वॉल्यूम बताते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एनिमेशन ऐड किया गया है, साथ साथ यहाँ पे भी एनिमेशन ऐड किया गया है। उसके बाद बात करें, जैसे इस पर क्लिक करते हो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है, मतलब कि ये भी यहाँ पे ऐड हुआ है, नया ऑप्शन यहाँ पे ऐड हुआ है। उसके बाद बात करें अगले अपडेट की, तो आप जैसे नोट्स में जाते हैं, नोट्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे पेंटिंग का ऑप्शन देखने को मिल गया है। आप देख सकते हैं पहले सभी मोबाइल में आता नहीं था, लेकिन आप देख सकते हैं अब आपको यहाँ पे पेंटिंग का ऑप्शन देखने को मिल गया है, तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट दी गई है। उसके बाद बात करें और भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स यहाँ पे आए हैं, तो हम जैसे सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद आपको करना क्या है कि अपने लॉक स्क्रीन में आना है और यहाँ से आपको नीचे नीचे आ जाना है। नीचे नीचे जैसे आप आ जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आया है डिस्प्ले चार्जिंग एनिमेशन आफ्टर डिवाइसेज अनलॉक, तो ये यहाँ पर नया फीचर आया जो कि मैंने इनेबल कर लिया है, तो इसको भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, काफी अच्छा फीचर आया है। उसके बाद बात करें अगले अपडेट की, तो आप जैसे साउंड एंड वाइब्रेशन पे आते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको एक नया ऑप्शन यहाँ पे ऐड होता हुआ दिख जाएगा, नोटिफाई अबाउट रिपीटेड कॉल्स और नोटिफाई अबाउट कॉल्स, तो ये यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे कि अगर आपकी कोई भी कॉल छूट जाती है, आपसे मिस कॉल हो जाता है या फिर कुछ भी, तो ये यहाँ पे नोटिफाई आपको कर देगा, इसको आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, तो काफी अच्छे अच्छे ऑप्शन आए। अभी मैंने कुछ ही ऑप्शन बताए, सभी ऑप्शन नहीं बताए, ये इस वीडियो का पार्ट 1 होने वाला है। अगर आपको पार्ट 2 भी चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, सभी और नए नए ऑप्शंस आए जो कि हिडन है उनके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक को चुनकर सब्सक्राइब।